निवाड़ी जिले के प्रतिपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी है। प्रतिपुर के वार्ड क्रमांक 9 के मवई खिरक पर शासकीय जमीन में बनाए गए पक्के मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में नगर परिषद पुलिस व राजस्व विभाग की टीम के समेत भारी पुलिस बल तैनात है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह तड़के ही इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है और अब तक यह कार्रवाई जारी है। इस पूरी कार्रवाई में नगर परिषद पुलिस व राजस्व विभाग की टीम के समेत भारी पुलिस बल तैनात है। कुंदली तरकस के लिए पृथ्वीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में जो है टीकमगढ़ रोड पे और अतिक्रमण किया हुआ है और वो अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। करीब साल भर पहले भी इस संबंध में कार्रवाई चल रही थी, तो तहसीलदार श्री अनिल तलिया जी ने पूरा जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके और अतिक्रमकों को उनको आहूत किया। न्यायालय में प्रकरण विधिवत चला और बेदखली की कार्रवाई जो है करने के लिए बार बार हो रहा था, तो उसको आज जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरी जिला कार्यालय से टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस बल और नगर पंचायत के कर्मचारी, CMO और यहाँ के जो है SDM साहब, तहसीलदार साहब और ये हमारे नायब तहसीलदार वगैरह पूरा राजस्व हमला मौके पर आया और जो अतिक्रमण किया हुआ था इसमें दुकानें जो है अवैधानिक रूप से बनाई जा रही थी और कुछ कालू नजर का काम भी इसमें हो रहा था, मतलब कुछ प्लाटिंग भी चल रही थी। तो ये मुख्य रूप से हरदयाल, बाबूलाल, गणपत, रामदयाल कुशवाहा और प्रेम सिंह दिल्ले कुशबंदिया, गौरी शंकर, शिवदयाल विश्वकर्मा, ऐसे लोगों ने जो है ये अतिक्रमण कर रखा था और ये शासकीय भूमि जो है 1732/2 ये पठार मत की जो है शासकीय भूमि है जो पृथ्वीपुर मौजा की है और ये मवई ग्राम से लगी हुई भूमि है और टीकमगढ़ झांसी मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर ये भूमि स्थित थी। इसकी जो आज मुक्त कराया गया है वो करीब 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर ज़मीन है जो हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया है और करीब 8 दुकानें जो जिसमें 5-6 दुकानें चालू थी और बाकी बंद निर्माणाधीन थी, 8 दुकानें हमने ध्वस्त करी हैं और 2-3 मकान भी निर्माणाधीन थे उनको भी तोड़ा गया है और नई संरचनाएं बन रही थी, बाउंड्री वाल भी बना रहे थे उसको भी तोड़ के और ये भूमि मुक्त करवा ली गई है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ के आसपास होगी।